अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563-830285, डिप्टी एडिटर सुनीता महतो 8609415270। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। मरकजी वजीर दाखला श्री अमित शाह कोयला की वजारत को सिंगल कर रहे हैं, विंडो क्लियरेंस पोर्टल लॉन्च किया गया। तजारती कोयले की कान कनी की नीलामी का अगला मरहला जनवरी 2021 में शुरू किया जाएगा। श्री प्रहलाद जोशी हिंदुस्तान के पहले तजारती कोयले की कान कनी की नीलामी के फातिहीन के साथ वजारत कोयला की तरफ से मुआहिदा किया गया। संगतौलिया में हिंदुस्तान में कोयले के कानों को शुरू करने के लिए दरकार तमाम मंजूरी और मंजूरी हासिल करने में मदद के लिए वजारत कोयला ने सोमवार को एक विंडो क्लियरेंस पोर्टल का आगाज़ किया। मरकजी वजीर दाखला श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में मुनक्कदा एक प्रोग्राम में इस पोर्टल का आगाज़ मरकजी कोयला और कानों के वजीर प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में हिंदुस्तान की पहली तजारती कोयले की कान कनी की नीलामी के फातिहीन के साथ मुआहदे करने के लिए किया था। प्रोग्राम में मिस्टर जोशी ने जनवरी 2021 में तजारती कोयले की कानकनी के लिए कानों की नीलामी के अगले मरहले के आगाज़ का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि हमने कोयले के शोबे में वसी असलाहत की हैं और अब कोयला का शोबा कॉम में होने वाली बड़ी तब्दीलियों का पेश खीमा होगा। मिस्टर जोशी ने कहा कि मोहतरम वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी की फैसला कन क्यादत में कोयले के शोबे में बड़े पैमाने पर तब्दीली आई है। सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल हुकूमत के कम से कम हुकूमत और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नेंस के नुक्ता नज़र को मजबूत करता है। ये पोर्टल कोयले के शोबे में एच ऑफ डूइंग बिजनेस को फ़रोग देने के लिए संगमेल साबित होगा। मुल्क में कोयले की कानें शुरू करने के लिए 19 बड़ी मंजूरी या मंजूरी अभी बाकी है। इनमें कानकनी मनसूबा और माइन बंदिश मनसूबा, कानों की खुदाई, माहौलियात और जंगलात, जंगलात की जिंदगी, सिक्योरिटी प्रोजेक्ट से मुताशरा खानदानों की नकल मकानी, मुलाजिम बहबूद जैसे इलाकों में मंजूर रिया शामिल है। ये तमाम एरिया मरकजी या रियासती हुकूमतों ने दी है। इन तमाम मंजूरी के हुसूल के लिए किसी मुश्तरक प्लेटफॉर्म के अदम मौजूदगी में कानकनी प्रोजेक्ट के हामियों को कोयले के कानों से कोयले की पैदावार शुरू करने में ताखिर करते हुए मुख्तलिफ इंतजामी वजारतों और सरकारी महकमा को अलग अलग दरख्वास्तें देना पड़ेगा। लेकिन अब ये विंडो क्लियरेंस पोर्टल जल्द ही इस अमल को मुकम्मल करने में माविन साबित होगा। इस पोर्टल के कानकनी मॉड्यूल सोमवार को शुरू किया जाएगा, जबकि दीगर मंजूरियों से वाबस्ता मॉडल मरहला वार शुरू किए जाएंगे। प्रोग्राम में वजारत कोयला ने मजमूई तौर पर 19 फातिहीन के साथ मुआहदे किए, जिनमें हिंदुस्तान की पहली तजारती कोयले की कानकनी की नीलामी वेत्ता लिमिटेड, अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, जंदाल पावर लिमिटेड, हिंदालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कामयाब फातिहीन शामिल हैं। इस नीलामी की कामयाबी से हिंदुस्तान के कोयले की दरामदात में 20% तक कमी वाकया होगी और इससे खुद इन्हिसार करने वाले हिंदुस्तान की राह हमवार होगी। SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड, जो वजारत कोयला का वाहिद ट्रांजेक्शन एडवाइज़र है, ने इस नीलामी के अमल को फ़रोग देने और इसके इनेकाद में मदद की है। मिस्टर जोशी ने तमाम रियासतों से अपील की कि वो इन तमाम बारूदी सुरंगों को जल्द से जल्द शुरू करने में ताउन करें, ताकि भारत अपने कोयले के बड़े ज़खायर का सही इस्तेमाल करके कोयले के शोबे में खुद कफील हो सके। अहम बात यह है कि कोयले की तजारती कानकनी के लिए 19 बारूदी सुरंगों ने कामयाबी से सफ़र किया, ताकि रियासतों को से 6,656 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। नीलामी के अमल के दौरान दरख्वास्त दहंदगान में सख्त मुकाबला की वजह से ज़्यादा 66.75% और औसतन 27% का मुकाबला हासिल किया गया। ये बारूदी सुरंगें 5 रियासतों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र में फैली हुई है और मिल के सालाना ज़्यादा से ज़्यादा कोयले की पैदावार 51 मिलियन टन होगी। मिस्टर जोशी ने कहा कि मादनी दौलत से मालामाल मुख्तलिफ रियासतों के तजुर्बे और मुख्तलिफ मुस्तफीद अफराद से मौसूला तासरात की बुनियाद पर हुकूमत ने भी कानकनी के शोबे में बड़ी साख्ती असलाहत लाएंगी। इन असलाहत से मादनियात की पैदावार में इजाफे के जरिए बड़ी तादाद में रोजगार के मौके पैदा होंगे और मुल्क में खुद कफालत को फरोग मिलेगा। मुझे यकीन है कि कानकनी के शोबे में इन असलाहत से हिंदुस्तान को इसकी हकीकी सलाहियत के मुताबिक मादनियात की तैयारी में मदद मिलेगी। इन असलाहत के तहत कानकनी के शोबे में सनत के एच ऑफ डूइंग बिजनेस को फरोग देने के लिए मुतअद्दिद इकदाम उठाए जाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वीर भी नहीं कर सकते हैं।
इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 03412305017 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। बार के रोज़ दुर्गापुर विधान चंद्र इस्पात नगरी के विधान चंद्र इंस्टीट्यूट फॉर गर्ल्स स्कूल के सामने री एडमिशन फीस के खिलाफ कर रहे एहतजाज में लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया, जिसकी वजह से वहां के स्टूडेंट्स ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया और रोड को ब्लॉक कर दिया। वालदेन पिछले कई दिनों से इस स्कूल की जानिब से दोबारा दाखिला फीसों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इसी तसलसल में सोमवार की सुबह वो स्कूल के सामने एहतजाज करने आए थे। वालदेन का कहना है कि स्कूल इंतजामिया हाई कोर्ट के हुक्म को नज़रअंदाज करते हुए दाखिला फीस वसूल कर रही है। वालदेन कई दिन से इसको माफ़ करने का मुतालबा कर रहे हैं। सोमवार की सुबह स्कूल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करने आए वालदेन को पुलिस ने रोक लिया। वालदेन का इल्ज़ाम है कि पुलिस ज़बरदस्ती इनके एहतजाज को रोकना चाहती है। बी जोन पुलिस के साथ वालदेन की बहस हुई। ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसकी वजह से 3 वालदेन को पुलिस ने ज़बरदस्ती पकड़ लिया। इसके बाद तुलबा ने रास्ता रोक दिया। पुरुलिया में BJP की एक फलसफियाना बुनियाद है जो कल TMC में थे, आज वो BJP में हैं, फिर TMC से BJP में हैं। BJP और तृणमूल ने घर घर सफर किया है। ये बंगाल के सियासी सकाफत के लिए अच्छा नहीं है। पुरुलिया में बाएं मुहाज के इजलास के बाद मुहाज के सदर विमेन बासु ने ये बातें BJP और तृणमूल को तनकीद करते हुए कहा। इन्होंने मजीद कहा कि तलाश का मामूल ID का काम है, इनसे वाबस्ता अफराद के लिए मुनासिब इंतजाम करें। আপনারা জানেন শুনেছেন যে বামপন্থী আর কংগ্রেস তাদের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে, আলোচনা আরো হবে। তবে একটা কথা আপনাদের পরিষ্কার বলতে চাই, আসন নিয়ে কোন আলোচনা এখনো হয়নি, আর আসন নিয়ে কোন দলের মুখ্য নেতৃত্ব এখনো কোনো কথা বলেনি। খুচরো নেতৃত্ব বলতে পারে, 8 পয়সার নেতা বলতে পারে, 8 আনার নেতা বলতে পারে, 1 টাকার নেতা বলতে পারে, কিন্তু এখনো কেউ কিছু বলেনি। पेंशन कोर्ट में सोनपुर बिजली विवेकानंद कॉलोनी ऑफिसर्स क्लब मुतअद्दिद मुकदमात की समाअत हुई। अंडाल में ECL के इलाके सोनपुर बाजारी के विवेकानंद कॉलोनी में पेंशन कोर्ट कायम की गई। इस पेंशन कोर्ट में 3 CMPF रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 के तहत जेरे तालीम 32 साबिक कोयला कारकरों की पेंशन कायम की गई। इस पेंशन कोर्ट में रीजन 1 और रीजन 2 के PF कमिश्नर यू पांडा, रीजन 2 के HD पाठक मौजूद थे। इस मौके पर पर्सनल मैनेजर उनियादीप भट्टाचार्य और अबीर मुखर्जी ने बताया कि खित्ते के 1, 3 और 2 समेत कुल 72 मामलात जेर समात हैं, लेकिन खित्ते 1, 3 में 55 मामलात हैं, जिनमें 21 मामलात कमिश्नर यू पांडा के जेरू तवा है। रीजन 2 के PF कमिश्नर HD पाठक के सामने 17 मुकदमात सामने आए, जिनमें 2 केसों को पांडेश्वर एरिया, बांकूला, झांझरा, केंडुआ, सोनपुर बाजारी रीजन 1 के तहत, जबकि कजोडा एरिया रीजन 2 में कस्तूरिया एरिया को पेश किया गया। सतग्राम एरिया के जेरुतवा केस को कारकर्दगी की गई, जबकि रीजन 3 में श्रीपुर एरिया, सोटपुर एरिया, कल्ला, सलानपुर, मुगमा और ECL हेडक्वार्टर का मामला अमल में आया। इस पेंशन अदालत में जनरल पेंशन पर्सनल PK श्रीवास्तव, चीफ जनरल मैनेजर PIR राजेश त्रिवेदी, PS2DP सोनपुर बिजारी एरिया पर्सनल मैनेजर अबीर मुखर्जी, केंडा एरिया के NK सिंह और एरिया मैनेजर गान भी मौजूद थे।
चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उखड़ा में मॉल के आगाज के खिलाफ खामोश जुलूस के जरिए रद्द अमल का इजहार किया। अंडाल में मुश्तइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने खामोश जुलूस निकाला। आर कॉरपोरेट दुनिया के जरिए उखड़ा में होने वाले मॉल के आगाज के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया। ये जुलूस भवन प्रांगण से शुरू होकर उखड़ा बाजार से होते हुए भाजपाई मोड़ होते हुए भवन तक पहुंची और जलसे का अहतमाम किया। इस मौके पर बुनियादी तौर पर फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आरपी खितान, ओखा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मनोज शराफ, सीनियर नायब सदर हरिका जेरीवाला, नायब सदर सीताराम बर्नवाल, त्रेलुकी शर्मा, सुभाष चक्रवर्ती, मनोज दत्ता सोयाल ने शिरकत की। अहमद सिद्दीकी और दीगर मेंबरान गान और तमाम मुश्तइल ताजिर गाना ने इस खामोश जुलूस में अपनी दुकानें रजाकाराना तौर पर बंद की। इस सिलसिले में उखड़ा के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मनोज शराफ ने कहा कि अगर पंचायत के इलाके में ऐसी मुतअद्दिद दुकानें कारपोरेट दुनिया के लोगों के जरिए खोल दी गई तो इससे उखड़ा और आसपास के छोटे कारोबारों में बेरोजगारी को नुकसान पहुंचेगा और इस वजह से बेरोजगारी में इजाफा होगा। उसको जानबूझ करके कि तो हर पैसा 7,200 रुपया नहीं मालिक 6,800 ले बा। देखिए वो पढ़ा लिखा नहीं बिल्कुल एकदम हमारे खाते को उसने झुठला दिया। वही जो कह रहा था वही सस्ता साहब देखा गया वही 6,800 ठीक है। उनकी मेमोरी बड़ी शार्प होती है। ये छोटा बड़ा मत दिए, आप और हम सब बराबर हैं। आपके पास बुद्धि कई क्षेत्र में हमसे बहुत ज़्यादा है, हम ये मान के चलते हैं। हमारे को देंगे ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां या नेशनल कंपनियां जो हैं कॉरपोरेट्स, वो 50 से 100 लोगों के रोजगार देंगे लेकिन हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं हम माननीय मुख्यमंत्री से कि इस मैटर को देखें। और हम लोगों ने उनको भी लेटर दिया है, मेल भी किया है। उसके अलावा लोकल जो एसडीएम है एसडीएम साहब को दिए हैं, डीडीए चेयरमैन को दिए हैं लेटर, उसके अलावा बीडीओ साहब को दिए हैं, पंचायत समिति सभापति को दिए हैं, प्रधान उखड़ा, प्रधान खंदरा, सब जगह हम लोग दिए हैं। बड़ा गौर करने वाली बात है कि 25,000 की पॉपुलेशन है इस उखड़ा पंचायत इलाका में। अब आसनसोल में तबस्सुम आरा ने इक्तदार संभाल लिया। तबस्सुम आरा ने सोमवार को आसनसोल म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड का मेंबर मुकर्रर होने के बाद इसका ओहदा संभाल लिया। जब तबस्सुम आरा को मेंबर बनाया गया तो मुख्तलिफ इलाकों के कारकरनों और हिमायतियों ने इनका एजाज बख्शा। आसनसोल म्यूनिसिपल कारपोरेशन में बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स की तंजीम 9 के बाद तबस्सुम आरा को जतेंद्र तिवारी की जगह पर एंट्री दी गई, जिससे कुल्टी जोन में तबस्सुम आरा के हामियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अहम बात यह है कि पिछले बोर्ड में तबस्सुम आरा डिप्टी मेयर थी, लेकिन जब खिताब तक पहली बार बोर्ड तश्कील दिया गया तो इन्हें इसमें जगह नहीं दी गई। हेडक्वार्टर में शमूलियत के बाद साबका ब्रो चेयरमैन संजय नोनिया की क्यादत में डिमोन जोन के कारकरनों के साथ इनका साथ मिला, इज्जत दी गई। इस दौरान महेश भारती, चंदन मंडल वगैरह मौजूद थे। 11 जनवरी को आसनसोल म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अमरनाथ चैटर्जी ने अपना ओहदा संभाल लिया। इससे पहले बस स्टैंड से सैकड़ों लोगों ने जुलूस निकाला। लोगों ने इनका इस्तकबाल किया और पटाखे फोड़कर इनका स्वागत किया। आइए सुनते हैं पीएमसी के चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटी सेल सैयद आफरोज ने क्या कहा। मेंबर चेयरमैन बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हैसियत से जो आज अपना ओहदा संभाला, इसमें अलग से माइनॉरिटी के लिए कोई चीज बात नहीं है। अमरनाथ चटर्जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत पुराने लीडर हैं, पार्टी के बहुत वफादार कर्मी हैं, मलाई घटक और ममता बनर्जी के बहुत अच्छे और सच्चे सिपाही हैं और इनका पब्लिक से भी बहुत अच्छा रिलेशन है। हमेशा ये पब्लिक के बीच में रहते हैं और पब्लिक के दुख दर्द को हमेशा बांटने की कोशिश करते हैं।
हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि अमरनाथ चटर्जी के इस ओहदे पे आने से पूरे आसनसोल वासियों के साथ साथ माइनॉरिटी के लोगों को भी काम करने में। बाराबनी ब्लॉक से दुम्हानी ग्राम पंचायत के तहत दुम्हानी गांव में आज दो नई सड़कों का इफ्तिताह किया गया। बाराबनी के एमएलए बेदन उपाध्याय भी मौजूद थे। बाराबनी पंचायत समिति के सदर मलवानी बोरी भी मौजूद थे। असीत सिंह मेंबर मगरी बर्दवान जिला काउंसिल भी मौजूद थी। जमुड़िया के मुठापुर इलाके में तृणमूल कांग्रेस का एहतजाज मुकामी बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के मुतालबे के खिलाफ। तृणमूल के कारकुनों ने फैक्ट्री दरवाजों पर पार्टी परचमों के साथ मुजाहिरा किया। इस तकरीब में ख्वातीन की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। तृणमूल ब्लॉक के सदर सुधन राय ने कहा, मुकामी बेरोजगार नौजवानों ने आज नौकरियों के मुतालबे पर फैक्ट्री गेट पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। फैक्ट्री हुकाम बैरूनी लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मुकामी नौजवानों को मुलाजमत दी जाएगी। बार बार दरख्वास्तों के बावजूद मालिक ने पार्टी को नहीं सुना, मुझे आज एहतजाज करने पर मजबूर किया गया। आसनसोल के जीटी रोड पर वाकया महावीर मंदिर में आत्मा प्रकाश जी महाराज देव दर्शन करने आए। पहले इसने देव दर्शन के साथ पूजा की। इस मौके पर इन्होंने अकीदतमंदों को प्रवचन और भजन सुनाया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के नए मुकर्रर एडमिनिस्ट्रेटर अमरनानुप चैटर्जी ने इनके पांव छूकर इनका आशीर्वाद लिया। इन्होंने अमरनाथ चैटर्जी से कहा कि वो पूरी जिम्मेदारी और लगन और ईमानदारी के साथ अपने फर्ज की तामील करें। इस मौके पर अकीदतमंदों ने गुरु जी का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर जगदीश प्रसाद केड़िया, अरुण शर्मा, गोविंद शर्मा, विवेक प्रकाश शाह, मुकेश जायसवाल, प्रकाश अग्रवाल, पुनित सिंतोड़िया, निर्मल बजाज, राजकुमार शर्मा, निरंजन पंडित, मुनि शर्मा, बबलू शर्मा, सुकेत मिश्रा, पवन दास, सीताराम बर्नवाल मौजूद थे। अनिल शर्मा, अभिषेक वर्मन, मनीष भगत, किरण गुप्ता और ख्वातीन कमेटी के मेंबरान भी मौजूद थे। दुर्गापुर में महकमा जंगलात के महकमा के अहदेदारों ने खुफिया इतला की बुनियाद पर छापे मारे और मोचीपाड़ा टूल प्लाजा से परिंदों की स्मगलिंग केस में एक गाड़ी समेत तीन अफराद को गिरफ्तार किया। इसे अदालत में पेश किया। केस की समाप्त के बाद अदालत से मुलजिमान की जमानत खारिज कर दी गई। इन्हें जेल भेज दिया गया। मुलजिमान में ड्राइवर पपन सरकार और मिंटू दास समेत तीन अफराद शामिल हैं। मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न ने गरीब और नादार अफराद के इस्तेमाल के लिए कंबल हवाले किए। आसनसोल में 11 जनवरी 2021 को डिवीज़नल रेलवे मैनेजर के दफ्तर आसनसोल में मुनक़दा एक गैर रस्मी तकरीब में मिस्टर सुमित सरकार, डिवीज़नल रेलवे मैनेजर मशरकी रेलवे आसनसोल ने स्वामी मुक्ति परदानंद सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन आश्रम रामहरीपुर बांकुरा को 150 कंबल दिए। ये कंबल रामकृष्ण मिशन के जरिए गरीब और लाचार लोगों में तकसीम करने के लिए दिए गए हैं। रेलवे साल भर इस तरह की इंसान दोस्त कामों में मसरूफ रहा है। इससे कबल कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न ने मुतअद्दिद मौके पर गरीबों और मिस्कीनों को इनमें खुराकी और दीगर ज़रूरी सामान तकसीम करके मदद फराहम की है। उमान तूफान से पैदा होने वाले नागवार हालात के दौरान डिवीज़न ने मगरबी बंगाल के जनूबी 24 परगना ज़िला के चक्र तूफान से मुतासर अफराद की मदद की है। आसनसोल डिस्ट्रिक्ट भारत स्काउट्स और गाइड्स के रजाकारों के जरिए खाना पीने का पानी और दीगर ज़रूरी सामान फराहम करके मिस्टर एम के मीना एडिशनल डिवीजनल रेलवे मैनेजर बशमूल श्री कौशलिंदर कुमार सीनियर डिवीजनल इंजीनियर कोऑर्डिनेशन श्री शांतु चक्रवर्ती सीनियर डिवीजनल ऑपरेशन मैनेजर मिस्टर एस के विश्वजीत इस कंबल की तकसीम के प्रोग्राम के दौरान सीनियर डिवीजनल मैकेनिकल इंजीनियर और दीगर डिवीजनल अफसरान मौजूद थे। आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, इन द मिडिल ऑफ एवरी डिफिकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी, हर मुश्किल के बीच में मौका छुपा होता है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, पर उससे पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
अस्सलाम वालेकुम।